है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये है क्लास सेकंड और इसमें हम बात करेंगे शेडिंग टेक्निक्स और प्रेशर कंट्रोल, और हम दोनों ग्रिप से कैसे हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और आज जो है ओवर हैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करेंगे और शेडिंग्स की भी जो टेक्निक्स है और सिक्स टेक्निक्स है उस सभी पर बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा ड्राइंग बुक है जिस पे मैं ऑलरेडी काम करता हूँ, और इस पे जो नोट्स है मेरा वो है ह्यूमन एनाटॉमी की है और ये है शेडिंग्स की। आज सेकेंड क्लास में हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रेशर कंट्रोल की। तो हमको प्रैक्टिस करनी है प्रेशर कंट्रोल की। तो हम प्रेशर कंट्रोल हम करेंगे ओवरहेड ग्रिप की। आपको पता है ये ट्राइपॉड ग्रिप है और ये ओवरहेड ग्रिप है, तो हमको इसे ही प्रैक्टिस करनी है प्रेशर कंट्रोल। सेटिंग्स की हम धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज करते रहेंगे और सेटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डार्क पेंसिल, 6B है, हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब प्रेशर को कंट्रोल करते हुए सेटिंग्स करेंगे। ओवर हैंड ग्रिप्स की हेल्प से देख सकते हैं ये यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे हल्का सा। ये मेरा मीडियम सरफेस है, आईब्री सीट है और ये यहाँ पे सरफेस जो है मीडियम है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर यूज़ करना पड़ रहा है डार्क टोन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये है लाइट डार्क, और ये इसका हुआ, ये हुआ प्रेशर कंट्रोल। हम जहाँ पर जैसे कि एक ही पेंसिल का यूज़ कर नए नए अलग अलग टोन्स का क्रिएशन होता है, जहाँ पे हम फेस में बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग टोन्स दिए होते हैं, तो वहाँ पे आप प्रेशर कंट्रोल कर एक ही पेंसिल से आप अच्छे से अलग अलग टोन्स ला सकते हैं। तो ये हो गया आपको। अब ये तो ऐसे पता नहीं चल रहे हैं कि कितने टोन्स हैं इसमें, एक्चुअली कितने स्किन टोन्स आ चुके हैं शेडिंग्स के, तो इसमें उतना पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे ऐसे लाइट है और ये डार्क है। तो अगर हमको टोन्स को पता करना है तो हमें एक्जैक्टली बॉक्सेस बाय बॉक्सेस हमको शेडिंग्स करनी होंगी, यहाँ पे पता चलेगा कि हमारे प्रेशर के कंट्रोल से कितने शेडिंग स्टोन्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ पे ओवर हैंड ग्रिप का ही यूज़ करूँगा। ओवर हैंड ग्रिप से एकदम लाइट प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ।
उसके बाद हल्का प्रेशर बढ़ाते हैं यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा और प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे और शेडिंग्स की जो मीडियम होगी सेम ही होगी, और यहाँ पे मैं ट्राइपॉड की ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल को थोड़ा 60 डिग्री से यूज़ कर रहा हूँ, हम देख सकते हैं। ये रफ पेपर नहीं है, कार्ट्रिज अगर रफ पेपर होता तो एक ही बार में टोन्स उभर कर आ जाते। ये आइवरी शीट है और मीडियम सरफेस है इसकी, तो इसकी जो ग्रेफाइट की है वो लेयर बाय लेयर देनी पड़ रही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ फाइव टोन्स निकल कर आ चुके हैं, ये लाइट है और ये डार्क है। लाइट और डार्क सो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि शेडिंग्स टेक्निक्स को, तो अगर कितने हैं शेडिंग्स टेक्निक जो हम आपको बताए थे कि 6 टेक्निक्स को हम कवर करेंगे वीडियो में, तो चलिए हम सबसे फर्स्ट टेक्निक जो हम यूज़ किए हैं ये और ये है टोनल शेडिंग्स। ऐसे हम टोनल शेडिंग्स कहते हैं, जैसे कि हम ये ट्राइपॉड ग्रिप से ओवरहेड ग्रिप से तो ये है टोनल शेडिंग। इसे अगर हम जैसे कि मर्ज करते हैं, इसे ब्लेंड करेंगे, ज़्यादातर आर्टिस्ट जो है शेडिंग्स में टोनल का ही यूज़ करते हैं, टोनल शेडिंग्स ही करते हैं,
आप आराम से देख सकते हैं इसे, क्योंकि टोनल शेडिंग्स स्मूथ होती है। टोनल शेडिंग्स ही यूज होती है यहाँ पे, आप इसे शेडिंग्स करेंगे तो आप देख सकते हैं। टोन्स उभर कर आ जाएंगे। तो ये है टोनल शेडिंग्स। तो हम इसमें पे 6 शेडिंग्स को कवर करेंगे कि कितने टाइप्स के शेडिंग्स होते हैं। तो एक होती है हैचिंग। हैचिंग में आप जानते हैं लाइंस जो होते हैं, लाइंस ड्रॉ होते हैं हैचिंग्स में। हैचिंग्स में लाइंस ड्रॉ होते हैं। आपको पता है एक होती है क्रॉस हैचिंग्स, ये छोटे छोटे स्टॉक लगा रहा हूँ यहाँ पे ट्राइपॉड क्लिप से। और क्रॉस हैचिंग्स में क्रॉसली लाइंस कवर होती है।